हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्शन क्लासी के एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बैंक निफ्टी में आयरन फ्लाई 30 जून एक्सपायरी का बैक टेस्टिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे और नियर अबाउट हम 1.25 दिन के आसपास हमारा ट्रेड इनिशिएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्पॉट चल रहा है 33,146, फ्यूचर है 33,182। तो हम 33,200 का कॉल और पुट को सेल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको हमने सेल कर दिया है, जो प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है 417 और 402, मतलब टोटल 820 रुपये के आसपास। तो 800 पॉइंट्स दूर हम हमारे हेजिस को बाय कर लेंगे। 34,000 का कॉल बाय कर लिया है और 32,400 का पुट हमने बाय कर लिया है। जो हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखिए 13,787 और लॉस है 6,200। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। अभी हमारा एक ही रूल है इसमें, जब तक हमारे ब्रेक इवन ब्रिज नहीं होते, मतलब कि मार्केट 33,751 को क्रॉस नहीं करता या नीचे की साइड में 32,648 को क्रॉस नहीं करता, तब तक हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 15 मिनट से आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए मार्केट गैप अप खुला है, लेकिन अभी भी हमारे ब्रेक इवन से थोड़ा दूर है। जब तक ब्रेक इवन हमारा ब्रीच होगा, उसके बाद हम हमारा एक्शन लेंगे। तब तक मार्केट में बने रहो और वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट अभी भी 33,600 के करीब घूम रहा है, 33,570, 33,630। दोपहर के 2 बजने वाले पूरे दिन मार्केट ने वही 33,500 से 33,700 की रेंज में कंटिन्यू ट्रैवल कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं 3:15 बजे। मार्केट हमारा 33,630 पे आ चुका है, 800 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। डाउन साइड में हमने जो 32,400 को किया था वो 71 रुपीज़ पे है, तो हम वहाँ से 200 पॉइंट आ जाते अंदर, जिससे हमारा डाउन साइड का रिस्क कम हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डाउन साइड के रिस्क को कम करके 34,32,400 को हम सिक्योर कर लेते हैं। तो हमारा डाउन साइड में अभी रिस्क 1,800 रुपये का है, लेकिन अप साइड में देखिए हमारा लॉस 6,800 है, तो हम इसमें भी 100-200 पॉइंट अंदर आ जाते हैं। तो 34,000 पे हमने बाय कर रखा था, तो इसको भी हम 34,800 तक ले आते हैं, क्योंकि ओवरनाइट का रिस्क हम नहीं ले सकते। तो ओवरनाइट के रिस्क को कम करने के लिए ये कॉल को हम अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारा ट्रेड क्या बन के रेडी हो रहा है। दोनों साइड में हमारा नियर अबाउट 4,000 का लॉस बचा हुआ है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 11,000 के आसपास। चलते फिर 15 मिनट से और आगे बढ़ते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है 34,000 के करीब, तो हम 9:20 पहले 5 मिनट तक वेट करते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन है। 34,000 पे अभी भी मार्केट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम हमारे डाउन साइड के रिस्क को जो ट्रेड है उसको फ्री कर लेते हैं। हमने जो सेल किया बाय किया हुआ है वो है 32,600 का पुट, तो 32,637 रुपये में है। वहाँ से हम शिफ्ट होके 32,900 तक आ जाते हैं, क्योंकि हमने 33,200 तक तो हमने सेल कर रखा है, तो वहाँ से हम 300 पॉइंट दूर 32,900 को बाई कर लेते हैं और 32,600 को हम एग्ज़िट कर लेते हैं। हमने इसको एग्ज़िट कर लिया है। अभी हमारा डाउन साइड में ट्रेड पूरा रिस्क फ्री हो चुका है, अप साइड में हमारा 4,500 का लॉस है। तो हमने जहाँ पर हमने ये बाय किया हुआ है 32,900 से हम और डाउन जाएंगे और 32,700 को हम सेल कर देते हैं वन लॉट। ठीक है, अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है फ्रेंड्स, अप साइड में हमारा 3,400 का लॉस है और डाउन साइड में हम अप टू 32,600 तक सेफ है। अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में 33,200 जहाँ पर हमारा स्ट्रेडल हमने सेल किया था वहाँ पर मार्केट अगर आ जाती है, तो हम हमारा जो एडिशनल लेग है सेल किया हुआ उसको हम स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स होता हुआ और थोड़ा रिवर्स, 33,900 के करीब मार्केट अभी भी उधर ही है, 33,800। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भी मार्केट में कोई डाउन मूव नहीं आया है, मार्केट अभी भी ऊपर ही बना हुआ है। अभी 33,800 पे है, अभी भी 600 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। कोई इशू नहीं है, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। अभी 3:20 हो चुकी है फ्रेंड्स,
अभी भी ट्रेड हमारा ऊपर है। हमने जो एडिशनल लेग सेल किया था उसका क्या पोजीशन है उसको देख लेते हैं। 44 पे हमने सेल किया था, 40 रुपये पे भी है, तो हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन आगे बढ़ते हैं, मार्केट गैप डाउन हुआ है 200 पॉइंट, कोई इशू नहीं। अभी भी हमारे जब तक 33,200 को टच नहीं करता हमें कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मार्केट फिर से रिवर्स हो गया 33,500। अभी देखिए आप 500 रुपये के प्रॉफिट में आ चुके हो, ट्यूसडे ऑलरेडी रनिंग है। फिर से मार्केट अपसाइड मूव करता हुआ, प्रॉफिट 500, 33,670 के करीब मार्केट ट्यूसडे के दो पहर हो चुकी है। 3:15 बजे देखते हैं क्या सिचुएशन मिल रही है हमें मार्केट में। 3:20 के करीब देखिए आप 500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट है 33,600। और अभी भी हमारा जो एडिशनल लेग हमने सेल किया उसकी क्या सिचुएशन है, वो 44 रुपये वाला वो भी 28 रुपये पे आ चुका है। अगर ये 20 रुपये के आसपास आ जाता है, 20 रुपये के नीचे, तो फिर हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आधे घंटे से। अभी देखिए दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन हुआ है 33,200 पे। अभी आप देखिए हमारा प्रॉफिट जो टारगेट है 2,500 का, वो टारगेट यहाँ पर हिट होता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक बार हम हमारे जो एडिशनल लेग सेल किया हुआ उसका क्या सिचुएशन बन रहा है उसको देख लेते हैं। अभी भी देखिए मार्केट इतना मूव किया लेकिन हमारा जो 44 का सेलिंग है वो अभी 50 रुपये पर ही है, हमें कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं दे पा रहा है। तो हम इसको और वेट करेंगे 33,000 के ब्रीच होने का, क्योंकि हमारा जो सेलिंग है वो 32,700 पे है। अगर ये 33,000 को ब्रेक करता है तो हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि हम 33,000 तक देखिए हमारा कोई लॉस नहीं शो हो रहा है। तो हम अब वेट करते हैं थोड़ी देर। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप अपसाइड वाले को भी अपना लॉस को फ्री करना है तो एक बार देख सकते हैं, जो हमने शेयर बाय किया हुआ है 33,800 का कॉल, 33,800 का कॉल 53 रुपीज़ में है, 71,93, तो इसको 33,600 तक शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 220 रुपये के अकॉर्डिंग, और 33,800 को हम स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। चलिए अभी देखिए हमारा ट्रेड कुछ ऐसा बन के रेडी है, अपसाइड में हमें कोई लॉस नहीं और डाउनसाइड हम अभी भी 32,600 तक सेफ बने हुए हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आधे घंटे से, मार्केट अभी भी ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, 2,800-2,900 रुपये का 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और आगे बढ़ते हैं अभी आधे घंटे से, मार्केट उधर ही ट्रैवल करता हुआ 33,300 के करीब। अब देखिए 3:15 बज चुके हैं, 3:20 के करीब मार्केट अभी एग्जिट हमारे एरिया में ही है, चाहे तो हम इसको और लॉस लेस बना सकते हैं, देखते क्या कर सकते हैं। अभी हमारी जो बाइंग पोजीशन है वो कहाँ पर है, 32,900 का पुट, तो 32,900 के पुट को हम अगर 33,000 पे ला सकते हैं, 80 रुपये, 23-24 रुपये देने पड़ रहे हैं। और अपसाइड में 33,600 को यहाँ शिफ्ट करने के लिए 30 रुपये देने, तो इसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम एक लॉट एक पोजीशन अंदर ले लेते हैं, जिससे हमारा डाउन साइड का रिस्क कवर हो जाएगा, क्योंकि डाउन साइड के रिस्क को कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अभी देखिए अपसाइड में हमें 50 रुपये का लॉस है और डाउन साइड में हम अभी अप टू 32,500 तक सेव हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्केट गैप अप हुआ है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। अभी यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, गैप अप होने पे हमारा जो डाउन साइड के पुट की क्या सिचुएशन है, ये 13 रुपये पे आ चुका है, तो इसमें से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने जो बाय और सेल कर रखा था ये 74 रुपीज़ पे है 33,200, और उसका जो हेजिंग है वो 38 रुपीज़ पे। ठीक है, उसको कुछ नहीं छेड़ते, हमने एडिशनल लेग को सिक्योर कर लिया है। अभी हमारा देखिए पूरा फ्री हो चुका है डाउन साइड, अप साइड में हमें ओनली 300 रुपये का लॉस है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
अभी देखिए प्रॉफिट 3,500 तक पहुंचने वाला है, 3,400 रुपये मार्केट उसी रेंज में अभी भी बना हुआ है, 3,500 रुपये प्रॉफिट हो चुका है। अभी आप चाहो तो आप अपने जो कॉल साइड का पुट है, कॉल साइड का जो हेजिंग है उसको आप अंदर खींच के आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए 33,400 के आसपास है तो हम आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं 33,500 पर, और आप अपना जो एडिशनल है 33,600 के कॉल को स्क्वायर ऑफ कर लो। अभी सिचुएशन देखिए, ट्रेड पूरा फ्री हो चुका है, अपसाइड में 1,400 रुपये का प्रॉफिट है, डाउन साइड में 4,000 का, और मिडल में अगर मार्केट क्लोज हो गया लास्ट के 1 ओवर में तो आप 7-8,000 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे। चलते फिर और 15 मिनट आगे कर लेते हैं। फाइनली मार्केट क्लोज हो चुका है 3:30 के आसपास, 3,500 का प्रॉफिट है, देखिए 33,349 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अगर हम थोड़ी बहुत पोजीशन पे ध्यान देंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे, क्योंकि 34,000 इसका रेजिस्टेंस था और 33,000 एज ए सपोर्ट वो काम कर रहा था, तो उसी के बीच में मार्केट ने पूरा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया था। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए ऑप्शन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।